लॉकडाउन के बीच हरियाणा में फंसे यूपी के मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा सरकार द्वारा मजदूरों को रोडवेज बसों के जरिए बुलंदशहर भेजा जा रहा है। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा हर रोज कामगारों को राज्य के अलग अलग जिलों में बसों से रवाना किया जा रहा है। हरियाणा समेत दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में फंसे सैकड़ों मजदूर अभी भी किसी न किसी तरीके से बुलंदशहर की सीमा पर पहुंच रहे हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बाद बुलंदशहर की सीमा पर पहुंचने वाले प्रवासियों को जिला प्रशासन की ओर से कई सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। बुलंदशहर बॉर्डर में एंट्री होने के बाद अलग अलग शहरों से आए मजदूरों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। जबकि यहां पहुंचने वाले कामगार प्रवासी मजदूरों को कैंप में ले जाकर उनके भोजन पानी से लेकर आराम करने तक की सुविधा कराई जा रही है। प्रवासियों के भोजन पानी के बाद यहां उनकी सूची बनाई जाती है, जिसके बाद यूपी रोडवेज बसों के जरिए इन लोगों को इनके गंतव्य जिलों में भेजा जा रहा है। देखिए, सरकार के दिशा निर्देशानुसार पूर्व में भी हम लोग जितने भी लोग पैदल आ रहे हैं उनको यहाँ से क्वारंटाइन कैंप ले जा रहे हैं, वहाँ खाना पीना दे के स्वास्थ्य परीक्षण करवा के फिर बस में बैठा के भेज रहे हैं। कल भी यहाँ से 1392 लोगों को 47 बस में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद में भेजा गया है। परसों भी लगभग 1100 आदमी को 37 बसों में बैठा के भेजा गया है। और आज भी सुबह से अधिकारी थे, आज सुबह में रात भर, कल रात मिडनाइट तक काम चला है। मिडनाइट से लेकर अभी तक कुछ लोग जमा हो गए थे जिनको सुबह सुबह बस से निकाला गया है। और अभी मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ मुआयना करने आए तो पता लगा कि कुछ लोग और कुछ छोटी मोटी लोकल गाड़ियों में बैठ के आ गए हैं। तो हमने यही इनको दिशा निर्देश दिया है कि इनको गाड़ी सहित क्वारंटाइन कैंप में ले जाइए, वहाँ खाना पीना दीजिए, स्वास्थ्य परीक्षण करवाइए, तब तक वहाँ बस आ जाएगी और फिर इनको जो इनका गंतव्य जनपद है वहाँ बैठा के भेज दिया जाएगा। हमें हमारा जो काम है, हमारा काम है हमारे जनपद में जो भी लोग पैदल आते हैं या प्राइवेट गाड़ियों से भी वैसे गाड़ियों से आते हैं जो अंदर जाके छोड़ देगी, तो वैसे लोगों को हम लोग सरकार के दिशा निर्देशानुसार क्वारंटाइन कैंप में लेके खाना पीना देते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और फिर उनके गंतव्य जनपद में भेज देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद अधिकारियों को मजदूरों की चेकिंग और उनकी टेस्टिंग करने और उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए थे। शासनादेश के बाद जिला प्रशासनों की ओर से भी मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की रणनीति पर कार्य शुरू किया गया। अगर लंबा सफर तय करके बुलंदशहर की सीमा में दाखिल होने वाले मजदूरों की ओर से बताया गया कि बुलंदशहर के पहले किसी शहर में प्रशासन द्वारा उन्हें रोका ही नहीं गया। जबकि बुलंदशहर प्रशासन द्वारा उन्हें न सिर्फ कैंप में लाया गया बल्कि उनके भोजन पानी की व्यवस्था के साथ साथ गांव जाने के लिए उन्हें बस भी मुहैया कराई गई। इसी बीच हमारे संवाददाता हामिद सैफी ने बुलंदशहर के खुर्जा से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों से खास बातचीत की, तो जानिए इन प्रवासी मजदूरों ने क्या कहा।
कुछ प्रवासी और हैं यहाँ बुलंदशहर के खुर्जा में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो कहाँ से चले हैं, कहाँ उन्हें जाना है, उनका घर कहाँ है और किन हालातों में वो वहाँ से चले हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ से। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली गुड़गांव से आ रहा हूँ। आप गुड़गांव से आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? मालदा टाउन जाना है जी। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, अच्छा, वहाँ से और बुलंदशहर खुर्जा में इस वक्त मौजूद हैं आप। हाँ, यहाँ तक का सफर कैसे तय किया आपने? पैदल आ रहा हूँ हम लोग, जो अलग अलग जनपदों राज्यों से हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मुस्ताज है सर। मुस्ताज कहाँ से हैं आप? मैं पश्चिम बंगाल मालदा जिले से हूँ सर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या करते हैं? गुड़गांव से आ रहा हूँ सर, एक लेबर हूँ, काम करता हूँ मजदूरी का। तो हम वहाँ से निकले तो वहाँ से जो हरियाणा पुलिस है उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को मतलब ध्यान दिए, जो गाड़ी में बिठाया, गाड़ी रुकवा के बिठाया। लेकिन इधर यूपी आने के बाद में कोई पुलिस हम लोगों को रोड शॉर्टकट भी जाने नहीं दे रहा है, तभी बोल रहा है कि उधर से घूम के जाओ, इतना किलोमीटर घूम के जाओ, मार के भगा रहा है। कितने लोग हैं आप? हम लोग तो सर 12 लोग हैं, 4 बिहार के और 8 बंगाल के। 4 बिहार के 8 बंगाल। हाँ सर। जब आप बुलंदशहर पहुंचे तो किसी पुलिस वाले ने या किसी भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो आपको मिले हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ से बस सेवा आपके लिए फ्री जा रही है? नहीं, बस सेवा यहाँ यहीं पे पूछा था, इस गांव का नाम याद नहीं आ रहा इतना, तो यहाँ से पूछा था, बस स्टैंड गए थे तो वहाँ पे से मतलब खुर्जा से ही? हाँ, खुर्जा से सर। तो गए थे तो बस वालों ने फिर वो 2700 रुपये मांगे थे, हम वापस रिटर्न आ गए सर। खुर्जा में आपके बस वालों ने 2700 रुपये मांगे थे हम लोग, यहाँ अपना यूपी बॉर्डर तक, यूपी बॉर्डर छोड़ने का। हाँ, जो बिहार बॉर्डर 12 लोगों के लिए? हाँ, नहीं, एक जने के, एक जने के 2700 रुपये मांगे आपको यूपी बॉर्डर छोड़ने के। हाँ, जो बिहार का बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर है यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो वहाँ से हम लोगों 2700 रुपये है नहीं। गए थे आप यहाँ? आज सुबह गए थे वहाँ पे, सुबह तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। इनसे बात करेंगे, सबसे पहले क्या नाम है आपका? महमूद अली। महमूद अली, महमूद अली कहाँ से चले हैं आप? हम तो गुड़गांव से आए हैं, हरियाणा गुड़गांव। तो वहाँ से पैदल ही आए क्या? हाँ सर, पैदल से आए। कहाँ तक पैदल आए? यहाँ से पैदल अभी तक खुर्जा तक आ गए हैं। खुर्जा तक पैदल आ गए? हाँ सर। एक लेडीज और है हमारे साथ जो एक बच्चे को लेकर, जिन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है, उनकी क्या परेशानी है ये तो वो ही जानेंगी, लेकिन हम भी इनसे पूछेंगे कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। जी कहाँ से हैं आप? बिलासपुर से। बिलासपुर से हैं, कहाँ से आ रही हैं आप? बिलासपुर से आ रहे हैं। और जाना कहाँ है आपको? बिहार। बिहार जाना है। ये बच्ची आप ही की, आपके कितने बच्चे हैं? एक है। एक ही बेटी है, तो आप इसे पैदल ही लेके चल दिए वहाँ से? तब क्या करें, जहाँ आप गुड़गांव से चले हैं? बिलासपुर से। माफ़ कीजिएगा, बिलासपुर से आप चली हैं, तो वहाँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाले ने आपसे ये नहीं कहा कि यहाँ से शासन के आदेश हैं, बसें चलाई जा रही हैं, आपको बसों के जरिए कुछ भी छोड़ा जाएगा वहाँ तक? कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं किया? रास्ते में पुलिस वाले मिले, उन्होंने कुछ बताया आपको? नहीं है। हालांकि जितनी उनकी परेशानी है वो ठीक से अपनी परेशानी भी बयान नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ बिलासपुर से, गुड़गांव से, बिहार और बंगाल जाने वाले प्रवासी हैं। आपने देखा, इन्होंने बताया कि जहां पुलिस वाले इन्हें रास्ते में मिले, उन्होंने इतना मुनासिब नहीं समझा कि इनको ये रास्ता बता दें कि बुलंदशहर प्रशासन द्वारा भी बसें मुहैया कराई जा रही हैं। जो भी प्रवासी बुलंदशहर में आ रहे हैं, खुद DM और SSP सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में अपने आप में एक सवाल खड़ा करती हैं कि इतनी सारी सिक्योरिटी और चेक नाके होने के बाद भी अब बुलंदशहर बॉर्डर से खुर्जा तक ये प्रवासी मजदूर यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पैदल ही अपने गृह जनपद तक सफ़र पैदल तय करते हैं या फिर कोई प्रशासनिक इन्हें मदद मिल पाती है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।